हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एलजेब्रा से रिलेटेड कुछ और सम्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से दे दिया है कि एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन। अब इसको सम को एक्सप्लेन करना है। इस सम में देखिए यहाँ पर प्लस है। अब ये जो नंबर है और ये वाला नंबर, हमको क्या करना है, नंबर्स को एक साइड में ले जाना है, ठीक है। तो इस नंबर को जब हम इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर प्लस है और इधर को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और अगर इधर माइनस है और इस तरफ को ले जाएंगे तो प्लस, यानी कि अपोजिट साइन हो जाता है। तो प्लस को जब हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस का फाइव, और हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नाइन में से फाइव, तो फोर आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, ऐसी और सम को देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए वाई माइनस का थ्री इज इक्वल टू इलेवन। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे अब आपको माइनस थ्री है, जब आप इस साइड में ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 प्लस का 3, और 11 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 14। ओके? इसी तरीके से आपको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 19 इज इक्वल टू m माइनस 3। अब आप इसको देखिए कैसे करेंगे। ये m जो है आप इसको इधर ही रखिए और नंबर को इधर ले जाइए, माइनस थ्री को इधर ले जाते हैं। तो हमने बताया था माइनस थ्री को जब हम इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का। तो क्या लिखेंगे आप, 19 प्लस का 3 इज इक्वल टू एम, ऐड कर दीजिए आप 22 इज इक्वल टू एम। इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, एम इधर लिख दीजिए और 22 ऐसे रहने दीजिए, या फिर आप ऊपर वाला भी ऐसे ही। तो m की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 22। और देखिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है 90 इज इक्वल टू 72। 9 और p के बीच में कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये क्या होता है, इनटू में है, राइट। अब हम जब इसको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, यानी कि हम इधर ले जाएंगे, तो ये इनटू जो है डिवाइड में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनटू मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, ऐसी प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। तो आप देखिए p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72, और डिवाइड ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 9 8 जा 72, इसका आंसर आपको आ जाएगा। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि 9p का मतलब 9 इसमें मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको 72 इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई जो है डिवाइड में हो जाएगा। तो 72 अपॉन 9, 9 से 72 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखाता हूँ सम, सेम एज इट इज, नंबर चेंज है, 16y इज इक्वल टू 48। क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 आप ऊपर लिखिए और 16 नीचे डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये मल्टीप्लाई में 16 3 का, यानी कि y इज इक्वल टू 3, राइट। अब देखिए इस सम में क्या दे रखा है, 4.9 इज इक्वल टू 0.7d। तो जैसा कि 0.7d है, यानी कि d के साथ 0.7 मल्टीप्लाई में है, आप इसको नीचे ले जाएंगे, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4.9 अपॉन 0.7 इज इक्वल टू डी। अब आप डिवाइड करिए, पॉइंट से आप पॉइंट कैंसिल कर दीजिएगा, और 7 7 जा 49, यानी कि 7। आप इसको और अच्छा तरीके से लिखें, वैसे तो आंसर सही है, लेकिन आप इसको डी इधर कर दीजिएगा, इज इक्वल टू 7, ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।